गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे? वेरी गुड, फाइन। सो होप सो यू आर सो मच फाइन एंड यू आर स्टडीइंग रेगुलरली विद द साइंस एंड विद राहुल सर। वेरी गुड। सो टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दैट आवर लेक्चर एंड क्लास। हमने जो पिछला क्लास किया था, जो पढ़ा था अब तक, उसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, उसका रिवाइज करा देता हूँ। हमने जो पहले पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ा है, सर्किट को हमने ड्रॉ किया है, ठीक है ना। अब आपने उसको वीडियोस को आप देखिएगा और रेगुलर मेरे साथ चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे, हमने कुछ सिंबल्स का यूज़ किया है, ठीक है। और फिर हमने उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में भी पढ़ा है। वेरी गुड, ठीक है। तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। अब हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं, आप बिल्कुल उस न्यूमेरिकल पर ध्यान दीजिएगा। मैंने वो न्यूमेरिकल यहाँ पर लिख कर रखा है, हम उसको करेंगे पॉइंट। और ये जो न्यूमेरिकल है ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने स्टार भी लगा देता हूँ इस तरीके से। ये स्टार का मतलब है दैट न्यूमेरिकल इज सो मच इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 12.5 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ये देखिए। अब इससे पहले जो हमने ये पर्टिकुलर किस टॉपिक पर है, इस टॉपिक पर है कि फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। फैक्टर कौन कौन से होते हैं जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है? चार फैक्टर्स होते हैं, लेंथ, नेचर, टेम्परेचर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। वेरी गुड। उसके बिहाफ पर हमने कुछ डेरिवेशंस की थी, ठीक है ना। और उसमें हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाली थी कि रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ इज गिवन, रेजिस्टेंस इज गिवन एंड डायामीटर इज गिवन। ओके, गिवन। सबसे पहले हम गिवन पार्ट लिखेंगे। गिवन पार्ट में हमारे पास है सबसे पहले तो रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हमें गिवन है 26 ओम। रेजिस्टेंस कितना गिवन है? 26 ओम। वेरी गुड। लेंथ गिवन है अपने को 1 मीटर, 1 मीटर गिवन है। और डायामीटर, दिस इज कॉल्ड डाया, डाया इज दिस, डायामीटर ऑफ वायर इज व्हाट? 0.3 mm, 0.3 mm। ओके, ये हमने से पहले गिवन पार्ट लिख लिया। रेजिस्टेंस क्या है, क्या है डायामीटर क्या है। अब हम इसको समझेंगे कि ये जो हमारा जो हमने रेडियस निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे, डायामीटर हमें ये दे रहा है, हम इसको कन्वर्ट करें, मिलीमीटर को मीटर में बदल रहे हैं, मीटर में दे रखा है, ठीक है। तो हमने इसको मीटर में बदलेंगे, तो ये 0.3 mm के अंदर चेंज हुआ, तो ये हो गया 0.3 mm, यानी कि 0.3 × 10⁻³ मीटर। मिली, एम का मतलब है मिली, मिली को हम बदलेंगे तो उसकी जगह पर लगाएंगे 10⁻³, सिर्फ इस एम की जगह पर, तो 10⁻³ मीटर। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 × 10⁻⁴ मीटर। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 × 10⁻⁴ मीटर। वेरी गुड। अब हम यहाँ पर हमने डायमीटर को मीटर में चेंज कर लिया। अब हम इसको जो है रेडियस फाइंड करेंगे, ठीक है। अब हम रेडियस फाइंड करेंगे। सो रेडियस इक्वल टू अपॉन टू, अपॉन टू करके क्या आ जाएगा, 1.5 × 10⁻⁴ मीटर। तो रेडियस क्या आ गया हमारे पास, 1.5 × 10⁻⁴ मीटर, ये आ गया हमारे पास रेडियस। कैसे आया? डायामीटर को अपॉन टू करेंगे तो रेडियस आएगा। इसको अपॉन टू करा तो 3 / 2 क्या हो गया, 1.5, और ये सेम का सेम, गॉट इट। अब हमने इसको रेडियस में फाइंड किया, क्यों किया?
उसको हम आगे समझते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे कि एरिया की, अब हम थोड़ा सा इसको यहीं पर ही रोक कर एरिया की बात करते हैं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया होता क्या, ठीक है ना। ये है वायर, ये क्या है, वायर है सिंपल, और सिंपल वायर जो है ये गोलाई में है, ये राउंड में है वायर, ये वायर कैसी है, राउंड में, ठीक है। यहां पर राउंड में वायर है, इसको हमने क्रॉस सेक्शन कर लिया, यानी कि इस तरीके से हमने क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है काट दिया, वायर को कट कर दिया। तो इस वायर को हम कहीं से भी कट कर सकते हैं, उस कट करने को कहते हैं क्रॉस सेक्शन। वेरी गुड, इसको हमने कट कर दिया। अब हम यहां से देख रहे हैं, इधर से देखा जा रहा है, यहां से देखा जा रहा है, तो ये वायर ऐसे दिखेगी, ये चीजें दिखेगी, इस तरीके से। अब ये हमने ऐसा क्यों किया, पहली बात कि जो हमारा जो ए है यानी एरिया है वो केवल एरिया नहीं है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, आप बुक के अंदर देख सकते हो। दूसरी बात, जब इसने दे रखा है डायामीटर ऑफ वायर, इसका मतलब वायर का डायामीटर यूज किया जा रहा है। डायामीटर तब यूज किया जाएगा जब उसको हम यहां से देखेंगे, यानी इस तरीके से देखा जाएगा, और ये बन गया एज ए सर्किल, और सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड, तो सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अब हम उस पाई आर स्क्वायर को यूज करेंगे, ऐसे यूज करेंगे। ये आपको समझ में आ गया, नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम अभी आगे प्रोसीड करेंगे तो आपको आ जाएगा। वेरी गुड, बस इतना ध्यान रखना, ये जो हमने एरिया लिया है अब वो पाई आर स्क्वायर है, और वो पाई आर स्क्वायर क्यों लिया है, क्योंकि हमने सर्किल लिया है, सर्किल को देख रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पर रेडियस हो गया। अब अपनों को फाइंड क्या करना है, व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द मैटर, रेजिस्टिविटी क्या होगी। नाउ रेजिस्टिविटी, इसका सिंबल होता है इस तरीके से रो, रो क्या हो जाएगा, आर ए अपॉन एल, आर ए अपॉन एल, ये हमने पढ़ा था। रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, आर ए अपॉन एल, आर क्या है, रेजिस्टेंस, ए एरिया, कौन सा एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और यहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, गोल सर्किल, और उसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड, तो अब हम इसकी जगह ये रख सकते हैं रो इक्वल टू आर, ए की जगह हमने रख दिया पाई आर स्क्वायर, ए की जगह क्या रख दिया, पाई आर स्क्वायर अपॉन एल, गॉट इट, एल क्या है, लेंथ। अब हम इसमें वैल्यू, हमें रेजिस्टिविटी निकालनी है, हम इसमें वैल्यू रखेंगे, आर रेजिस्टेंस क्या है, 26 ओम मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस, आर को रेडियस, रेडियस क्या आ गया हमारे पास 1.5 × 10⁻⁴, 1.5 × 10⁻⁴ है, यहां पर हमने स्क्वायर लगा दिया। अपॉन लेंथ जो होगी वो क्या है हमारे लेंथ 1 मीटर, तो हमने अपॉन में क्या किया 1 मीटर लगा। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, 26 × 3.14 × 10⁻³⁶ 81.64, इसको आ गया 1.5 × 10⁻⁴, इस पूरे के ऊपर स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2.25 × 10⁻⁸ अभी आप पूरे ऊपर है, हम नहीं लिखे तो चलेगा, कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल, आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहिएगा, कहीं पर जाइएगा नहीं, जुड़े रहिएगा, आप बिल्कुल समझ, मैं बार बार आपको
रिवाइज भी करवा दिया करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज हो जाएगी। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो इसको कैलकुलेशन के हिसाब से जो आ रहा है 183.69 into 10 - 8। क्या चीज लेकर आ रहे हैं हम, क्या ला रहे हैं हम, ला रहे हैं रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। तो ये चीज क्या हो रही है, ओम मीटर, ओम मीटर में है। अब हम इसको ऐसे शो कर सकते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे हम। तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया 1.83 और ये 6 है तो 1.84 × 10 - 6 ओम मीटर। गॉट इट माय पॉइंट, बिल्कुल समझ में आ गया आपको। देखो हमने इस तरीके से निकाला 1.84 × 10 - 6 ओम मीटर। ये हमारा लास्ट आंसर है, हमने निकाला है रेजिस्टिविटी। अब ये क्या कह रहा है, प्रिडिक्ट द मटेरियल, मटेरियल को पहचानो। कैसे पहचानेंगे, उसकी रेजिस्टिविटी से पहचानेंगे। अब जिस मटेरियल की रेजिस्टिविटी ये है, वो मटेरियल कौन सा है, कैसे पता लगेगा, चलो हम बुक में देखते हैं। बुक को अगर हम देखें तो पेज नंबर 207 पर आएंगे, पेज नंबर 207, वेरी गुड। पेज नंबर 207 पर हम टेबल को देखेंगे, टेबल में ध्यान देंगे तो टेबल के अंदर रजिस्टिविटी का कॉलम बना हुआ है लास्ट में। उस रजिस्टिविटी में देखें तो 1.84 × 10 - 6 किसके आगे बना हुआ है, मैग्नीज के आगे लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये मैग्नीज मटेरियल की रजिस्टिविटी है। तो हमें ये बताना है यहाँ पर कि वो मटेरियल कौन सा है। सो दिस मटेरियल इज मैग्नीज, ओके। तो ये इस तरीके से मैग्नीज की जो है मटेरियल है उसका ये रेजिस्टिविटी है, ठीक है। तो हम ये कहाँ से पता लगाया, हमने टेबल से पता लगाया। टेबल को लर्न तो धीरे धीरे कर लेना, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जो अपने क्वेश्चन में रेजिस्टिविटी आ रही है, कम से कम उसको तो लर्न करना ही है कि भाई ये रेजिस्टिविटी जो है वो किस मटेरियल की है। बस धीरे धीरे अपने आप लर्न होता जाएगा, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 12.5 हमने पढ़ा, हमने समझा, इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। हो गई तो आप मुझसे बिल्कुल पूछिएगा, ठीक है। उसके बाद हम 12.6 एग्जांपल करेंगे और 12.6 एग्जांपल के बाद हम जो है वो दूसरा कोई और एग्जांपल भी देखेंगे, ठीक है। टिल देन थैंक यू।